हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप्स हो आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे होंगे। सो गाइस, अभी हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपका आपके लिए उनका माइंडसेट क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आपके लिए। तो उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है वो चीज़ देखेंगे। एंड दिस इज़ पिक पाइल रीडिंग। आपको एक पाइल को चूज करना है। टेम्परेंस एंड हाई प्रिस्टेस, आपको जो भी चीज़ अट्रैक्ट कर रही है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। एंड सेकेंड चीज़ जो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप ऐसे कन्फ्यूज हो तो 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है, जिन आपको अपनी पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है, तो 1 to 15 जिनकी भी पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ है वो पाइल नंबर 1 भी चूज़ कर सकते हैं। एंड 16 to 31 जिनके भी पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ है वो पाइल नंबर 2 भी चूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप आराम से पहले अपना चूज़ कर लीजिए पाइल जो भी आपको बेटर लग रहा है, ठीक है? उसके बाद हम देखने वाले हैं पाइल नंबर 1 के लिए, ठीक है? सो मैं पोज आप करके देख सकते हो। ओके, सो फर्स्टली हम पाइल नंबर 1 की बात करेंगे, ठीक है? पाइल नंबर 1, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं कहीं ना कहीं आपको प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है इन योर नियर पास्ट चीज़ें बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं थी, चीज़ों को जिस तरीके से आपने सोचा था उस तरीके से चीज़ें हो नहीं रही थी, बट नाउ आई फील कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको मिलवाना चाहता है। आई फील आप ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में हो सकते हो। मुझे ऐसी फीलिंग भी आपके लिए आ रही है। सो मैं ये कार्ड इसी में ही मिक्स कर देती हूँ, ठीक है? ताकि देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, और प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए पाइल नंबर 1 के लिए जिन्होंने भी टेम्परेंस के कार्ड को सिलेक्ट करा है, या फिर जिनकी पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 है, वो अभी उनके पार्टनर उनके लिए अभी क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। ओके, देखते हैं आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है। फर्स्ट कार्ड इज 5 of Swords। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। द फूल, पेज ऑफ वांड्स, एस ऑफ वांड्स। वन मोर कार्ड प्लीज यूनिवर्स। ओके, बॉटम ऑफ डेक की जो एनर्जी है वो है 5 of Cups। इस टाइम पे ना आपके पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान है गाइस, लिटरली बहुत परेशान है। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। आई थिंक आप दोनों की रिलेशनशिप में ना जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो बाहरी लोगों की वजह से आ रही है। आई थिंक आपने अपने रिश्ते में एक प्रिवेसी नहीं रखी है। आई थिंक चीज़ें बहुत ओपन हैं, आपके झगड़े हो सकते हैं, ठीक है? मतलब बाहरी लोग बहुत इन्वॉल्व है आपके रिश्ते में, और मुझे लग रहा है कि बाहरी लोगों की वजह से आप लोग ना अपने रिश्ते में सही से ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि बाहरी लोग इतना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत क्लैशेस चले होते हैं आप लोगों के बीच में, झगड़े बहुत होते रहते होंगे हर छोटी छोटी बात पे। मुझे लग रहा है कि बहुत झगड़े हो रहे हैं, या हो सकता है आपके पार्टनर कान के बहुत कच्चे हैं, वो किसी की भी सुन लेते हैं और रिएक्ट कर लेते हैं, जो कि आपको बहुत हर्ट करता है। आई थिंक आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इशू भी हो सकते हैं, मच पॉसिबिलिटीज। ट्रस्ट इशू का भी मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों का आपस में ट्रस्ट इशू रहा होगा। ये ट्रस्ट इशू जो रहा होगा ये आपके पार्टनर के पास्ट की वजह से हो सकता है। एंड किसी किसी का मुझे ये भी लग रहा है कि किसी किसी के जो पार्टनर हैं, जैसे आपके ये जो पार्टनर हैं वो आपको आपके पास्ट को लेके बहुत जज करते हैं, मच पॉसिबिलिटीज। तो अभी उन्हें चीज़ों को लेके वो बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं चीज़ों को लेके।
सो मुझे लग रहा है कि यही एक मेन रीजन, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपका फाइव ऑफ वॉन्ड्स का है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत क्लेशेस, बहुत झगड़े आप लोगों के बीच में चले हैं. या फिर अगर ये कार्ड ऐसा है कि आप लोग नो कॉन्टेक्ट में हो, लेस कॉन्टेक्ट में हो, तो आप लोगों के दिमाग में, आपके पार्टनर के दिमाग में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा चली है कि कैसे चीज़ों की कैसे चीज़ें खराब हुई, कैसे झगड़े हो रहे थे. ठीक है, मच पॉसिबिलिटीज. नेक्स्ट कार्ड इज द फूल कार्ड. द फूल कार्ड आपका फर्स्ट कार्ड है, और इसमें मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि आपने ना, आपकी पार्टनर को ये चीज़ फील हो रहा है कि उन्होंने आपको रोकने की बहुत कोशिश की चीज़ों को लेके. अगर झगड़े हो रहे थे तो शायद आपने चीज़ों को सॉल्व करने का ट्राई किया, ठीक है, कि चीज़ें सब कुछ सही हो जाए. आई थिंक बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही होगी कि आपने ट्राई बहुत किया बट चीज़ें उस हिसाब से नहीं हुई. आई थिंक कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ फील हो गई थी कि अगर ऐसी ही झगड़े चलते रहे, ऐसी ही प्रॉब्लम्स चलती रही, तो आगे आके दिक्कत हो सकती है. आपने बहुत रोकने की कोशिश ज़रूर की होगी, बट आपके पार्टनर ने आपकी बिल्कुल नहीं सुनी. मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है. अभी वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सैड है कि जो चीज़ें वो सही कर सकते थे, जहाँ उन्हीं चीज़ों को लेके आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, आपकी सही के लिए स्टैंड लेना चाहिए था, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था, आपकी सुननी चाहिए थी, वहाँ आपके पार्टनर ने आई थिंक आपको बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करी. तो जो ये बेफिक्र होके चल रहे थे कि नहीं, आप कहीं नहीं जाने वाले हो, आप तो वही करोगे जैसा वो कहेंगे, उन्हें ये जो ये गलत फहमी में जी रहे थे ना, आई थिंक आपके पार्टनर पछता बहुत रहे इस टाइम पे, गिल्टी में बहुत है, अकेला फील बहुत करें. उसका रीज़न यही है कि उन्होंने टाइम आते जो चीज़ों को संभाल सकते थे वो संभाली नहीं, और खुद ही अपने हाथों से चीज़ों को ख़राब कर दिया. बाहरी लोगों का भी एक टाइम तक, अगर ठीक है, बाहरी लोग भी अगर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, और सही से आपके बीच में चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, बट मेन चीज़ ये कि आपको ट्रस्ट होना चाहिए. ट्रस्ट इश्यूज मुझे रियली बहुत ज़्यादा लग रहे हैं. तो आई थिंक अभी आपके पार्टनर पछता रहे हैं बहुत ज़्यादा कि वो इस एनर्जी में क्यों थे, कि उन्होंने आपको इग्नोर ही कर दिया, इतने बेफिक्र होके वो क्यों थे. और जब वो इतने बेफिक्र होके चले, तभी उन्हें ये चीज़ अभी रियलाइज़ हो रही है. आई थिंक आपके पार्टनर राइट नाउ बहुत ज़्यादा है, लिटरली बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉकिंग स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है. आई थिंक आपकी फ़ोटोज़ को ये देखते होंगे, आपकी फ़ोटो से ये बात करते होंगे. लिटरली आप में से कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको देख के लिटरली रोते होंगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी. आई थिंक कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अनबैलेंस्ड इन्होंने करी है, और अभी ये चाहते हैं कि कुछ तो इन्हें आई थिंक जेलिस फैक्टर भी बहुत ज़्यादा हो सकता है. ये आपको आपको सिर्फ स्टॉकिंग स्टॉकिंग वाली एनर्जी में मुझे लग रहे हैं कि फेसबुक पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से देख रहे हैं. और अगर आपको कहीं से ये देख भी नहीं पा रहे हैं, तो किसी लोगों से आपके बारे में पता कर रहे हो सकते हैं कि आप क्या करते रहते हो, क्या नहीं करते रहते हो. आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये जो रीडिंग है ना, मोस्टली पाइल नंबर वन की ये रीडिंग जो मुझे लग रही है, ये आई थिंक नो कॉन्टैक्ट और लेस कॉन्टैक्ट वालों के लिए है, जिसमें कि एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है जिसमें कि आपकी बात हो रही है, या फिर बहुत क्लेशेस पड़े हैं, या फिर चीज़ें बहुत ही खराब हो चुकी हैं, ऐसा मुझे लग रहा है. तो राइट नाउ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टॉक आपको कर रहे हैं, बहुत मिस आपको कर रहे हैं. वो इस रिश्ते में ना न्यू बिगनिंग चाहते हैं गाइस. आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, वो मेन एनर्जी यही है कि वो आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि एक दोबारा से एक न्यू बिगनिंग हो, एक न्यू स्टार्टिंग हो, जहाँ पुरानी बातों को छोड़ के हम दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट करें. बट उन्हें लगता है कि अभी जो उन्होंने जितनी गलतियां करी है वो भूलने लायक नहीं है, भूलने लायक गलतियां नहीं है. आप अगर इस कार्ड को देखोगे, यस मैंने कहा था, आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट रिलेशनशिप में हो सकते हो. देखो गाइस, इस इंसान का जो पूरा फोकस है वो इन थ्री कप्स पे है, जो कि गिर चुके हैं, और ये कहीं ना कहीं पास्ट को बता रहा है. तो आपके पार्टनर को यही लगता है आपके लिए कि जो चीज़ें हुई है वो आप भूल नहीं सकते. इट्स नॉट ईजी फॉर यू कि चीज़ें जो खराब करी है. आई थिंक आपके पार्टनर ने आपको हर्ट बहुत ज़्यादा करा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ वो भूल नहीं पाए पा रहे हैं कि उन्होंने क्या गलती करी है. इस टाइम पे उन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है,
बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि प्रॉब्लम्स बहुत हावी हो चुकी है उनके ऊपर और वो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। उन्हें लगता है कि ये जो ओवर बर्डन उनके ऊपर आया है ये सब उनकी ही वजह से है। ठीक है, ओके, सो प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, इन नियर फ्यूचर हमारी व्यूअर्स के पार्टनर क्या एक्शन ले सकते हैं टूवर्ड्स हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या ले सकते हैं एक्शन। ओके प्लीज व्यूअर्स गाइड करें। ओके देखा मैंने कहा था कि आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, और ये कार्ड मुझे यही बता रहे, टू ऑफ कप्स, द चैरियट। वन मोर कार्ड प्लीज यूनिवर्स। आपको पता है यही बॉटम ऑफ डेक था इससे पहले जब मैंने ये वाला कार्ड निकाला। ओके तो अभी बॉटम ऑफ डेक का जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ का। सो गाइज आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको मेन चीज अपने ऊपर फोकस करना है। ठीक है, खुद को सेल्फ लव पे आपको फोकस करने की जरूरत है। ओके ओके सो मुझे लग रहा है कि इन योर नियर फ्यूचर आपके पार्टनर बहुत कोशिश करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ट्राई करने वाले हैं, आपको कॉल करने वाले हैं, टेक्स्ट करने वाले हैं, लिटरली आपको चीज़ करने वाले हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके बिना रह नहीं पाएंगे और वो हिम्मत जुटा के अपनी गलतियों को सुधारने का फुल ऑन ट्राई करेंगे, फुल ऑन ट्राई करेंगे। उसका रीज़न ये क्योंकि आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं, उनको अटैचमेंट आपसे बहुत ज़्यादा है और उनके उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, यूनिवर्स ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, एंड जो ये कार्मिक साइकिल आपके बीच में चला था उसकी एंडिंग चाहते हो, सकता है ये कार्मिक साइकिल हो। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपना कप ऑफ लव देंगे और आप भी, मुझे लग रहा है बहुत इन नियर फ्यूचर आप भी खुश होने वाले हैं उस चीज़ को लेके, क्योंकि आपके पार्टनर आपको लिटरली एक लॉयल्टी से पुरानी चीज़ों को भुला के अपने आपके साथ रिश्ते की जो नींव है उसको स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। ठीक है, चैरियट का कार्ड मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर वो सच झूठ नहीं समझते थे, है ना, अगर वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे कि अच्छा सही क्या है गलत क्या है, मुझे किसके लिए स्टैंड लेना है किसके लिए नहीं लेना है, तो देयर इज़ द चांसेस कि कुछ भी हो वो आपके फेवर में स्टैंड लेंगे। अगर वो स्टैंड नहीं लेते थे, अगर वो चीज़ों को लेके लीड नहीं लेते थे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझ में क्या कमियाँ हैं, मुझे क्या चीज़ें सुधारनी है, अगर वो ऐसे नहीं कर रहे थे तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटीज़ कि अभी वो आपको प्रॉपरली बहुत ही प्यार से ट्रीट करेंगे, अपनी गलती अभी एक्सेप्ट करेंगे और आपके लिए स्टैंड भी लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना आपके बिना बहुत अकेला फील करते हैं, उन्हें लगता है कि अगर आप उनके साथ नहीं रहोगे ना और अगर वो आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे ना तो सब खत्म हो जाएगा, वो अपनी ज़िंदगी में अकेले रह जाएंगे। आपको मैं एक बात बताऊं, अगर उनके पास ना सब कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल उनकी फैमिली फ्रेंड्स सब कुछ है, इवन लड़कियां भी या लड़के भी उन्हें बहुत अटेंशन देते हैं, जो भी जेंडर आपका पार्टनर का है, बिकॉज इट्स अ नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रेटिंग। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के पास अगर सब भी होना तब भी वो आपके बिना अधूरे हैं, वो ऐसा फील करते हैं, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है आपके बिना। सो यस देयर इज अ मस्ट पॉसिबिलिटीज, एंड आपके पार्टनर लिटरली चाहते हैं आपके लिए स्टैंड लेना, अपनी ट्रू फीलिंग्स कहना चाहते हैं। यस वो चाहते हैं कि सब कुछ सही हो, सब कुछ अलाइनमेंट में आए। ओके सो आपके लिए सच बोलना चाहते हैं, आपके लिए खड़े रहना चाहते हैं, ठीक है, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ओके सो मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल देती हूँ, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, क्या गाइडेंस है हमारे व्यूअर्स के लिए, अभी उन्हें क्या करना चाहिए।
वन मोर कार्ड प्लीज यूज। ओके यूनिवर्स आपको कह रहा है, मुझे लग रहा है आप इस टाइम पे बहुत टूट चुके हो। यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है और आपको गाइड करना चाहता है कि जो कुछ भी हुआ ना उस चीज़ से बाहर निकलो और अपने ऊपर मेहनत करो, अपने ऊपर फोकस करो, इतना इमोशनल मत हो। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो चीज़ें हुई है जितना भी, आई थिंक आप बहुत हद तक आपने बहुत बर्दाश्त करा है, बहुत। आप लिटरली इस टाइम बहुत जख्मी हो, बट आपको कहा जा रहा है कि खुद को हील करो, इन योर नियर फ्यूचर सब कुछ अच्छा होगा, बस खुद को अकेला फील मत करो, यूनिवर्स पे फोकस करो, यूनिवर्स पे विश्वास रखो कि वो जो आपके लिए करेंगे बेहतरीन करेंगे। एंड गाइस दैट इज़ माई पर्सनल एडवाइस फॉर यू कि हमारा जो बुरा टाइम चलता है ना, हमें लगता है कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, क्यों हो रहा है, आपको नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है, इट्स ओके। बट जो यूनिवर्स आपके लिए कर रहा है वो उन्हें पता है कि आपको क्या देना है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ भी रही है तो उस पर विश्वास रखो कि नहीं भगवान, आप जो कर रहे हो मेरे लिए बेस्ट कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दुख के बाद सुख भी आता है, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके सो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत अपना ख्याल रखिए, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर ब्यूटिफुल यूट्यूब फैमिली। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद फाइल नंबर 2। सो प्लीज़ टेक केयर योर सेल्फ, सेल्फ लव करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फाइल नंबर 2, सो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है, पार्टनर की जिनकी भी, ये रीडिंग आपके लिए है, या फिर जिसने हाई प्रिस्टस कार्ड को सिलेक्ट किया है ये रीडिंग। यू नो मुझे ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि आप ना बहुत कंफ्यूज हो, आप चीज़ों के लिए आई थिंक सही से डिसीजन नहीं ले पाते। उसका रीज़न ये कि आप चीज़ों से, यू नो आपको कहा जा रहा है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो इन योर लाइफ, यू शुड ट्राई कि आप अपने अंतर मन की सुने, आप यूनिवर्स पे फोकस करें, आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें कि वो जो भी करेंगे आपके लिए बेहतरीन करेंगे। ठीक है, सो अभी मैं ये कार्ड भी बाकी के कार्ड में मिक्स करने जा रही हूँ। ओके सो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की दिलो दिमाग में चल क्या रहा है, वो क्या सोचते हैं आपको लेके, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है, ठीक है, और क्या चलता है उनके दिलो दिमाग में आपको लेके, क्या सोच है उनकी आपको लेके। ठीक है, सो शुरू करते हैं रीडिंग। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें हमारी व्यूवर्स के पार्टनर की इस टाइम पे क्या सोच है, वो क्या सोचते हैं हमारे व्यूअर्स को लेकर, उनके दिल दिमाग में क्या चला है। ठीक है, और ये जर्नल प्लस कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। मुझे पता था कि कार्ड आएगा क्योंकि कार्ड मुझे एनर्जी ऐसी दे रहा था। ओके 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 पेज ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ पेंटिक आई डोंट वांट्स। हाय प्रिस्टिस, देखो आपका कार्ड आपको ही मिल गया फाइल नंबर 2। ओके सो वन मोर कार्ड प्लीज यूनिवर्स। तो मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लूं। ओके एंड बॉटम ऑफ डेक की जो नदी लवर्स, द लवर्स कार्ड आप देख रहे हो, आपके उसमें कितने मेजर आर्कनास के कार्ड आए हैं। ओके देखो मैं आपको मेन चीज बताती हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को एक लिटरली बहुत तगड़े वाला चपाटा पड़ा है या पढ़ने वाला है। कोई तो ऐसे लोग हैं इनकी लाइफ में जो बनते तो बहुत सगे हैं कि हम आपके ही हैं, वी आर सो
गुड फ्रेंड्स हैं, ये है वो है, ये कोई भी हो सकता है, इनके कोई कजन्स भी हो सकते हैं। आई थिंक जो ये ट्रीट कर रहे हो कि हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जो कि इनका अपना है और जिन पे ये बहुत ट्रस्ट करते हैं, मुझे लग रहा है कि दूसरों की सुन के ये आपको एकदम से सुना देते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो इंसान है इसको किसी की असलियत पता लगने वाली है। एंड ये चीटिंग वाला कार्ड है, तो इनके अगर दिमाग में ये गलत फहमी थी कि आप इन्हें चीट कर रहे हो, आप इन्हें धोखा दे रहे हो, तो आई थिंक ये जो इनका थॉट ऑफ प्रोसेस है ये भी खत्म होने वाला है। एंड अगर ऐसा नहीं है तो मच पॉसिबिलिटीज आपके पार्टनर ने अगर आपको चीट किया है, किसी के लिए आपको धोखा दिया है, तो वो उसको छोड़ के आपके पास आने वाले हैं। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे, किसी के लिए छोड़ के गए थे, तो आपके पार्टनर वापस आने वाले हैं, क्योंकि वहाँ से उन्हें धोखा मिलने वाला है। इस टाइम पे वो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, किसी की रियलिटी उन्हें पता चली है। इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि हो सकता है, मुझे जो मच पॉसिबिलिटीज लग रही है वो यही लग रही है कि आपके जो पार्टनर है, हो सकता है उन्होंने आपको चीट किया है। कुछ तो ऐसा किया जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो, बहुत 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 ज्यादा हर्ट हुए हो। ओके, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर लिटरली आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। ये सॉरी भी हो सकता है, ये चीज़ों को लेके हो सकता है, जो चीज़ें इन्होंने खराब करी उसको लेके ये आपसे सॉरी बोलना चाहते हो, ठीक है, ऐसे मुझे एनर्जी लग रही है। पर ये डर रहे हैं बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कैसे बोलूँ, हड़बड़ाहट बहुत ज़्यादा है कि कैसे बोलूँ। ये ऑफर मुझे बहुत बड़ा नहीं लग रहा है, ये ऑफर कोई छोटा सा ऑफर हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि तुम्हारा कोई सामान रह गया था लौटाने के लिए, या फिर एज अ फ्रेंड प्लीज़ मुझसे बात कर लो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो हियर। सो कुछ ना कुछ ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, अनजाने में इन्होंने क्या गलती करी है जिसकी वजह से आप लोगों का और ट्रस्ट इशू ख़राब हुआ है, ठीक है, ट्रस्ट इशू आप लोगों के बीच में बने हैं। सो यस, वो आपको सॉरी जरूर कहना चाहते हैं। यस, मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है बहुत पैशनेट है आपको लेके, आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेके, बहुत, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर लिटरली सरप्राइज का सोच रहे हैं कि अपने पार्टनर को सरप्राइज कैसे दे दूँ। सरप्राइज का मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि सरप्राइज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको, लिटरली सरप्राइज का ये सोच रहे हैं। हो सकता है ये आपको लिटरली कहीं मिलने आए और आपको कॉल करे कि मैं तुम्हें मिलने आ रहा हूँ, मच पॉसिबिलिटीज। ये कुछ तो स्टैंड लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना जरूर चाहते हैं, जिससे आप दोनों के रिश्ते में ग्रोथ हो। मुझे एक चीज़ लग रहा है कि ये बहुत टाइम से ना अच्छे डिसीजन मेकिंग पर्सन तो नहीं मुझे लग रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिसीजन नहीं ले पाते थे बहुत टाइम से, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ना इनका अंतर्मन, अब इन्होंने डिसाइड कर लिया। आई थिंक कि इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है लोगों से, इन्हें फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, मच पॉसिबिलिटीज़ कि लोग क्या कहेंगे। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि अपनी ये फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा हाइड करके रखते थे, बट अभी मुझे इनकी फीलिंग्स जो लग रही है आपके टूवर्ड्स, वो यही लग रही है कि वो अपनी दिल की सुनना चाहते हैं, और उनका दिल कहता है कि आप सिर्फ उनके लिए बने हो, आप दोनों के आपसे वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत, और ये फील उन्हें तब हुआ जब आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आना स्टार्ट हुआ। तो आपके पार्टनर आपको खोना तो नहीं चाहते, आप ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, क्योंकि बॉटम ऑफ टेक का कार्ड ही लवर का कार्ड है, और उन्हें लगता है कि जो सोल कनेक्शन, जो प्यार, जो लगाव वो आपसे फील करते हैं ना, वो किसी से फील नहीं कर पाते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको प्यार तो बहुत हद प्यार करते हैं, हद हद प्यार करते हैं। यस, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के लिए ना आप पूरी दुनिया हो उनकी, पूरी दुनिया। वो कहीं ना कहीं आपको लेके खुश भी हैं कि आप जैसे पार्टनर उन्हें मिले, उनका मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में छान मारूँ ना मुझे इतना अच्छा इंसान नहीं मिल सकता। उनके हिसाब से आप उनके लिए बेस्ट हो, परफेक्ट हो, ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है।
वो आपके साथ ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों का जियोग्राफिक एरिया ज़्यादा हो, आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से हो सकते हो, डिफरेंट कास्ट डिफरेंट रिलीजन के हो सकते हो। उसके बाद भी आपसे बहुत ज़्यादा खिंचाव और लगाव फील करते हैं, बहुत ज़्यादा। हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आप लोग ज़्यादा मिल नहीं पाते हो, बट वो आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि प्लानिंग बना रहे कुछ मिलने की आपसे। यस एंड डेफिनेटली यार, प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो सन के एनर्जी, कहीं ना कहीं भगवान भी आप दोनों को मिलवाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लाइक बहुत प्यार आ रहा है आपके ऊपर। ओके सो देख लेते हैं कि नियर फ्यूचर आपके पार्टनर क्या एक्शन ले सकते हैं टूवर्ड्स यू, ठीक है। क्या कुछ चलेगा उनके दिमाग में, क्या कुछ सोचेंगे वो, क्या कुछ एक्शन ले सकते हैं। ओके द फूल, ओके हाँ जी, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द सन, आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मुझे लग रहा है प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में बड़ी रही होगी, बहुत ज्यादा दूसरों की वजह से बड़े झगड़े हुए होंगे आपके बीच। ओहो इतने कार्ड नहीं चाहिए, यूनिवर्स सारे कार्ड निकल आए। प्लीज वन मोर कार्ड प्लीज यूनिवर्स। ओके एक कार्ड और चाहिए। आप देख रहे हो, आप सच में ट्विन फ्लेम और सोलमेट मुझे लग रहे हो, सच्ची कसम से। क्योंकि बॉटम ऑफ डेक से लवर का कार्ड आया। वाह देखो पहले भी लवर का कार्ड था। मुझे लग रहा है अगर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस थे ना, कि वो स्टैंड लेने से डरते थे, चाहे वो फैमिली हो रिलेटिव्स हो और लोगों के सामने वो स्टैंड नहीं ले पाते थे, तो बेफिक्र हो कि वो आपके साथ चलने वाले हैं इन फ्यूचर, बिना किसी डर के आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले हैं। मुझे लग रहा है डेफिनेटली आपको चीट तो इस इंसान ने कर रहा है, सॉरी मुझे ये लग रहा है चीट, और गंदे वाला चीट कर रहा है। बट आप उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो दोबारा कभी आपको लाइफ में चीट नहीं करेंगे, उन्हें अपनी गलतियों का रिग्रेट रहेगा, पछतावा रहेगा। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड सन का है एंड बॉटम ऑफ डेक की जो एनर्जी है वो टू ऑफ कप्स की है। तो सन के कार्ड से मुझे ये चीज़ फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ना जितनी खुशी दे सकते हैं आपको देंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपकी केयर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। एवरी सिंगल थिंग जो आप चाहते हो इस इंसान से, वो आपको रिस्पेक्ट केयर, आई थिंक आपके पार्टनर ना फ्यूचर तक सोचेंगे आपके लिए। तो उन्हें लगता है कि आपके साथ तो उनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है। ऐसी एनर्जी ही मुझे लग रही है। यस नेक्स्ट टाइम इन योर फ्यूचर वो बाहरी लोगों की नहीं सुनेंगे, जिनको दिक्कत है मुँह पे कहेंगे भाई ज़्यादा दिक्कत है तुम निकल जाओ, मैं अफालतू बकवास नहीं चाहता लाइफ में, बस निकल जाओ। तो ये किसी को भी कट ऑफ कर देंगे आपके लिए, आपके लिए किसी से भी लड़ पड़ेंगे। मुझे किसी किसी का लग रहा है चाहे वो फैमिली क्यों ना, या ये आपके लिए हर किसी से लड़ पड़ेंगे। आप इनकी लाइफ में इस टाइम पे इन नियर फ्यूचर बहुत ज़्यादा प्रीशियस होने वाले हो, ठीक है। इनको लगेगा कि आपसे बड़ी प्रीशियस गिफ्ट इन्हें यूनिवर्स से जो मिली है वो ऐसे मिल नहीं सकती, बहुत अच्छे कर्मों का कोई फल है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मुझे सिक्स ऑफ सोर्ड से ये चीज़ फील हो रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक बहुत ही सुंदर रिश्ता चाहते हैं जो कि छोटी टाइम के लिए नहीं जिंदगी भर का हो, ऐसा साथ चाहते हैं। प्रॉब्लम्स का खुद सल्यूशन निकालेंगे और आपके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करने का, लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मैरिज कमिटमेंट मिल सकती है, लिटरली आप लोगों की मैरिज तक फिक्स हो सकती है। आपके पार्टनर आपको
जिस भी चीज़ में आप लोगों के बीच में दिक्कत आ रही थी वो चीज़ एक्सेप्टेंस में आने वाली है, ठीक है? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ईच एंड एवरी बड़ी जिन्होंने भी पाई नंबर 2 चूज़ कर रहा है, ठीक है? सो बहुत ब्राइट फ्यूचर आपका दिखाया जा रहा है आगे, टेंशन ना लीजिए, यूनिवर्स पे सिर्फ भरोसा कीजिए। मुझे लग रहा है आप इस टाइम बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन में हो, प्लीज़ चीज़ से बाहर निकलिए। आप में से कुछ लोग बहुत परेशान मुझे लग रहे हैं, ओके? तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे। ओके, बॉटम ऑफ डेक 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखो गाइस, आपको कहा जा रहा है कि ये जो टाइम है ना आपका, यूनिवर्स आपको कहा जा रहा है कि खुद पे फोकस करो, खुद पे फोकस करो, खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ। जितना आप खुद पे फोकस करोगे, सेल्फ लव पे फोकस करोगे, यूनिवर्स पे फोकस करोगे, चीज़ें उतनी ही जल्दी अलाइनमेंट में आएगी। बहुत स्पीड में सब कुछ होगा, बहुत जल्दी ये जो ये गुड न्यूज़ मिल रही है ना आपको, चीज़ें जो अलाइनमेंट में आ रही बहुत जल्दी होगी। बस आपको कहा जा रहा है कि सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें, न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में, बट आपको कहा जा रहा है अपनी फाइनेंस पे फोकस कीजिए, अपनी सेल्फ लव पे फोकस कीजिए, ठीक है? चीज़ें सबको ठीक होगी, जो भी होगा अच्छा सोचो। मुझे आप में से, आई डोंट नो वाई, बट मुझे आप में से कुछ लोगों का ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोग बहुत नेगेटिव सोचते हैं, कि ये तो हो ही नहीं सकता मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स, ये वो सो। आपको यही चीज़ कहा जा रहा है कि जो भी सोचो पॉजिटिव सोचो, यूनिवर्स पे फोकस रखो, वो जो आपके लिए करेंगे बेहतरीन करेंगे। मैं हमेशा यही चीज़ मानती हूँ, आपके लाइफ में ना टफेस्ट टाइम भी चल रहा हो ना कि बहुत हार्ड टाइम चल रहा हो, सिर्फ भरोसा रखो कि वो जो ऊपर बैठा है ना वो आपके साथ गलत नहीं होने देगा। आप बस अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव करो, एंड प्लीज़ ग्रेटिट्यूड शो करने की आपको बहुत ज़रूरत है, ठीक है? ग्रेटिट्यूड शो करो जो आपके पास है, एटलीस्ट उसके लिए तो खुश रहो, और जो नहीं है उसके लिए भी थैंकफुल रहो कि यूनिवर्स जो करेंगे आपके लिए बेहतरीन करेंगे, ठीक है? तो आपको कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड के लिए कहा जा रहा है, अपने करियर पर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, एंड सेल्फ लव पर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। सो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड पर्सनल पेडअप सेशन के लिए मुझे बता दीजिए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करवानी है तो फिर आपकी स्लॉट बुक करवा दूंगी मैं, ठीक है? सो ओके, एंड अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, थैंक यू वेरी 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 मच। आई विश आप सब लोग बहुत खुश रहो अपनी लाइफ में, बहुत तरक्की करो, सबका प्यार मिल जाए, ठीक है? आप हमेशा खुश हो लाइफ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।